नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। बड़ी खबर जो मिल रही है, शुरुआत उसके साथ कर लेते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। रूस का दावा है कि मॉस्को में कई जगहों पर एक साथ 25 से ज्यादा ड्रोन ने अटैक किया है। मॉस्को में कई जगहों पर बड़ी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे बड़े ड्रोन हमले के बाद इस वक्त मॉस्को में पैनिक जैसे हालात हैं। आर्मी को फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब तक 13 ड्रोन को मार गिराने का दावा भी रूस की तरफ से किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रूस ने ड्रोन मार गिराए हैं। अभी तक 13 ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है। मॉस्को के अलग अलग इलाकों में यह हमला हुआ है। एक घंटे तक ड्रोन से हमला होता रहा। रूस की राजधानी मॉस्को में ड्रोन से हमला हुआ है, कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। और क्या ये हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है, अभी साफ नहीं है। अभी और डिटेल्स आएंगी, लेकिन शुरुआती जानकारी ये, आप देख सकते हैं किस तरीके से ड्रोन से हमला होता है और रूस ने कई ड्रोन मार गिराए हैं। तो रूस ने जो ड्रोन मार गिराने का दावा किया है, उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीर जो मिल रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे हवा में इस ड्रोन को मार गिराया गया रूस की तरफ से, वो इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन ड्रोन अटैक जब किया गया, उसके बाद एक घंटे तक मॉस्को में यह अटैक होता रहा। और फिर उसके बाद जब जवाबी कार्रवाई रूस की तरफ से की गई, तो उसमें कैसे 13 ड्रोन को मार गिराया गया वो तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं। रूस की जो सरकारी मीडिया है उसके हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। 25 ड्रोन का दावा किया जा रहा है जो कि मॉस्को के अलग अलग इलाकों में पहुंचे और एक के बाद एक इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। एक घंटे तक मॉस्को में हमला होता रहा और फिर उसके बाद अब रूस ये दावा कर रहा है कि 13 ड्रोन को उससे मार भी गिराया है। तो 25 से ज्यादा ड्रोन से यह हमला होता है। और इससे पहले आपको याद होगा क्रेमलिन पर अटैक होता है, उसके बाद हमने देखा था कि वहां पर जवाबी कार्रवाई की जाती है, यूक्रेन पर कार्रवाई की जाती है, कीव दहल उठती है। ये न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रूस की राजधानी मॉस्को से। रूस जो कि इस पर हमला बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से वहां पर क्रेमलिन पर हमला होता है और उस वक्त आग लग जाती है। ऐसे में उसके एयर स्पेस में कैसे विमान घुस जाते हैं, ये उस वक्त भी जांच का विषय था। लेकिन उसके बाद जवाबी कार्रवाई करता है और इस बार भी, क्योंकि मॉस्को वो जगह है जहां पर सरकारी आवास है रूस के राष्ट्रपति का, वहां पर ये ड्रोन से हमला होता है। और जो कि मॉस्को में इस वक्त मेयर जानकारी दे रहे हैं कि कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि जो इमारत में लोग रह रहे थे उन इमारतों को खाली करवा दिया गया है ताकि स्थिति ना बिगड़े। लेकिन 25 से ज्यादा ड्रोन, और ये बहुत बड़ा हमला है, क्योंकि जब भी रूस पर हमने देखा कि इससे पहले जो ब्रिज पर हमला हुआ था, इसमें रूस हमेशा यूक्रेन पर आरोप लगाता है और युद्ध को एक साल से ऊपर हो चुका है। ना इस वक्त यूक्रेन झुक रहा है, ना रूस रुक रहा है। और अगर हम बात करें हथियारों के मामले में काफी शक्तिशाली देश रूस। ये तस्वीरें आप देखिए, मॉस्को पर ड्रोन अटैक होता है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 25 ड्रोन हमला करते हैं रूस की राजधानी मॉस्को पर। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे देखकर ये समझा जा सकता है कि रिहायशी इलाका है। आप देखिए अगल बगल चारों तरफ आपको बिल्डिंग दिखाई देगी और वहीं हवा में ड्रोन घूमता हुआ नजर आया। लेकिन इस ड्रोन अटैक के पीछे कौन है, क्या वाकई इसमें यूक्रेन का हाथ है? और अगर ऐसा है तो अब क्या रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है वो और ज्यादा तीव्र हो जाएगा, क्या रशिया और आक्रामक हो जाएगा? ये सब हालांकि बड़े सवाल है। लेकिन रूस ने जिस तरह से ड्रोन को मार गिराया है वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 25 ड्रोन आखिर रूस की राजधानी में कहां से प्रवेश कर जाते हैं और एक घंटे तक कैसे अटैक होता रहता है रूस की राजधानी मॉस्को में, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। 25 ड्रोन से अटैक किया गया था, रूस ये कह रहा है कि 13 को हमने मार गिराया। बाकी ड्रोन क्या अभी उनके ऊपर निशाना साधा जा रहा है, क्या उन्हें भी मार गिराने की प्लानिंग हो रही है? अपडेट जैसे जैसे मिलता जाएगा आगे हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन रूस की राजधानी के ऊपर यह अब तक का बहुत बड़ा हमला, क्योंकि 25 ड्रोन यहां पर पहुंच गया था। इसके पहले जब हमला हुआ था उस वक्त भी यह कहा जा रहा था कि मॉस्को की दूरी यूक्रेन से इतनी ज्यादा है कि वहां पर ड्रोन से अटैक नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में क्या ये बहुत शक्तिशाली ड्रोन है, कैसे पहुंचे रूस की राजधानी मॉस्को तक, ये सभी बड़ा सवाल है। और इसके अलावा रूस के लिए परेशानी भरी बात ये भी कि अगर राजधानी में एक घंटे तक अटैक होता रहा ड्रोन से, तो फिर रूस के बाकी इलाके कितने सुरक्षित है, वहां के नागरिक कितने सुरक्षित है, वो कौन सा दुश्मन है जो ये हमला रूस के ऊपर कर रहा है, ये सभी बड़ा सवाल। लेकिन अलग अलग कैमरे एंगल से हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मॉस्को में लगातार एक घंटे तक ड्रोन उड़ता रहा, अटैक करता रहा और फिर कैसे रूस ने जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया। तो तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, मॉस्को पर ड्रोन से अटैक होता है, कई इमारतों पर हमला होता है, मॉस्को में इस वक्त हाई अलर्ट है। बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं कि यूक्रेन की मीडिया ने कहा है कि ये तो रूस की ही साजिश है, क्योंकि इससे पहले जब क्रेमलिन में अटैक हुआ था तो यूक्रेन की तरफ से कहा गया था कि रूस ने यह अटैक खुद करवाया है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि जब भी कोई दुश्मन देश होता है, अगर इस तरह की स्थिति होती है तो फिर उसको वार करने का मौका मिल जाता है।
हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि ये अगर हम देखें 1000 किलोमीटर का फासला, और जिसमें अगर रूस की राजधानी मॉस्को में यह हमला हो रहा है, 1 घंटे तक ड्रोन से अटैक होता रहा है जिसमें 25 ड्रोन थे, 13 को रूस मार गिराने का दावा करता है, लेकिन इसमें रूस क्योंकि बार बार ये कहता है कि उसके क्षेत्र में अगर हमला होगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी तरफ यूक्रेन ये कह रहा है कि ये तो रूस की ही साजिश है, रूस ने खुद से ये अटैक करवाया है। और ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने हैं, क्रेमलिन पर 3 मई को जब हमला होता है वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और आज हमला हुआ है। जब क्रेमलिन पर 3 मई को हमला होता है उसके बाद कैसे रूस पलटवार करता है, हमने देखा था कि यूक्रेन की राजधानी कीव दहल उठती है, यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में मिसाइल से अटैक होते हैं जिसमें रूस ने फर्क नहीं किया था इमारतों में और आम नागरिकों में। और अब ये आज की तस्वीर है, सबसे बड़ा हमला इसे रूस पर कहा जाएगा और रूस इसको बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि मॉस्को पर 1 घंटे तक यह हमला होता रहा। और ऐसे में ड्रोन हमले पर यूक्रेनी मीडिया यह कह रही है कि रूस खुद ही हमले कर रहा है। और जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, क्योंकि इससे पहले जैसे ही इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, अगर खुद से कोई देश अपने ऊपर हमला करता है तो फिर उसको मौका मिल जाता है कि वो दुश्मन देश पर और ज्यादा आक्रामक तरीके से वार करे और ये युद्ध और ज्यादा भड़केगा इस हमले के बाद। तो क्रेमलिन की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि क्रेमलिन पर अटैक करना ये लगभग असंभव सा है, कोई दूसरा देश और खास करके यूक्रेन ये काम नहीं कर सकता है कि क्रेमलिन में अंदर तक घुस जाए और फिर राष्ट्रपति भवन के ऊपर ही सीधा अटैक कर दिया जाए। आज फिर एक बार वैसी तस्वीर दिखाई दे रही है, जबकि मॉस्को में अलग अलग जगहों के ऊपर ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए। आप देखिए जो खिड़कियां हैं उसके अंदर से लोग बाहर झांक करके देख रहे हैं, दहशत का माहौल, जाहिर सी बात है। ये ड्रोन जहां जहां उड़े वहां पे जो लोग रहने वाले हैं ये सभी रिहायशी इलाके इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, तो लोग भी काफी पैनिक में आ गए ये बताया जा रहा है, इधर उधर भागने लग गए। फिर उसके बाद आनन फानन में उन बिल्डिंग्स में जो लोग रह रहे थे उन्हें बाहर भी निकाला गया उनकी सुरक्षा को देखते हुए। लेकिन ये रूस के लिए भी खतरे की बात है अगर किसी दुश्मन देश ने यह अटैक किया है, और बड़ा सवाल भी कि राजधानी के ऊपर अगर ऐसे अटैक हो रहा है तो फिर रूस का जो इंटेलिजेंस था वो क्या कह रहा था, क्या उनके पास ऐसा कोई इनपुट नहीं था, और क्या वाकई ड्रोन की मदद से यूक्रेन हमला कर भी सकता है। बड़ी दूरी है रूस की राजधानी मॉस्को और यूक्रेन के बॉर्डर के बीच में, तो ऐसी स्थिति में क्या संभव है कि 25 ड्रोन उड़कर मॉस्को तक पहुंच जाए और फिर हमला कर दें। इसीलिए यूक्रेन ये कह रहा है कि ये प्रोपेगेंडा है रूस का, जानबूझकर उसने युद्ध की दिशा को भड़काने के लिए और यूक्रेन के ऊपर सारा इल्जाम डालने के लिए ये छद्म राजनीति की है। मॉस्को पर ड्रोन हमले पर यूक्रेन के मीडिया ने बड़ा दावा करते हुए रूस पर आरोप लगाया है और मॉस्को पर हुए ड्रोन हमले को रूस की ही साजिश बता दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला होता है, हमले पर यूक्रेन की मीडिया का यह दावा है कि यह हमला तो रूस ने ही किया है, यानी कि रूस की ही साजिश है, रूस ने अपने ऊपर यह हमला किया है, बहुत बड़ा आरोप है। इससे पहले यूक्रेन की मीडिया की तरफ से यह भी कहा गया कि कल रात को कीव पर रूस की तरफ से 31 ड्रोन से हमला होता है जिसमें 29 ड्रोन यूक्रेन मार गिराता है, हवा में ही नष्ट कर देता है। अब ये जो हमला हुआ है रूस की राजधानी मॉस्को पर जिसमें 1 घंटे तक ड्रोन आसमान में रहे जिसमें से कई ड्रोन को रूस ने मार गिराया है ये दावा किया गया है, लेकिन ड्रोन से हमला रूस की साजिश है, मॉस्को का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हुआ है।